आई नो डेवलपर्स को बहुत मुश्किल होता है जब उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास कि वो चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन डेवलप हो रही है और इसके लिए उनको एडिशनल रिसोर्स चाहिए और बेसिकली <laughs> जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास भी अपने कंसर्नस होते हैं बिकॉज अगर वो आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स दे रहे हैं दे ऑल्सो हैव टू सबमिट दैट इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स और उनके पास ये चीज़ इन्श्योर होनी चाहिए कि क्या रियली really में इतने रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है तो इस पूरे प्रोसेस में डिवेलपर्स को यू uh, नो you know, एक तरह से एक रिक्वेस्ट uh, सबमिट करनी पड़ती है Request for change. हम सब कहते हैं आई थिंक ये आपने वर्ड सुना होगा और रिक्वेस्ट फॉर चेंज के साथ वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाती है फिर वो रिव्यू करता है एनालाइज करता है एंड उसके बाद वो स्टेक होल्डर्स के बाद पास जाती है फाइनल uh, एक रिव्यू एंड कंफर्मेशन के लिए जब स्टेक होल्डर्स उसे रिव्यू एंड कंफर्म करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में वन <laughs> वीक लग जाता है एंड ड्यूरिंग दैट वन वीक हमारे जो डेवलपर्स हैं वो या तो उन्हीं कोड्स को रिव्यू करते रहते हैं या चेक करते रहते हैं तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर है यहाँ पर उनकी जो एफिशिएंसी है वो वहाँ पर आ, मतलब कंसिडर की जाती है कि यार एफिशिएंसी नहीं है तुम्हारी क्योंकि तुमने इतने टाइम में तुमने ये आ, एप्लीकेशन को डेवलप करके देना था तुम एक हफ्ता लेट हो तुम वन एंड हाफ वीक लेट हो तो उनको थोड़ा बहुत यू नो दे हैव टू हियर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर ओन प्रोजेक्ट मैनेजर्स सो अगेन एज अ सेड आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस सो गाइस उसे रेक्टिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज कॉल्ड एज एप सर्विस और दूसरा है सर्वरलेस कंप्यूटिंग हेलो गाइज माई नेम इज़ हर्ष चंद्रा एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली uh, कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं जो डेवलपर्स की हेल्प कर सकते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास भी थोड़ा वरीलेस वर्क हो जाएगा क्योंकि uh, अगर डेवलपर्स uh, को इंक्रीज़ करना है दे कैन डायरेक्टली अजाइन दो रिसोर्स टू डेवलपर टीम और दे प्रोजेक्ट मैनेजर दैट है यू हैव टू हैंडल ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज ऑल ऑफ़ योर डेवलपर्स अगर वो इंक्रीज करते हैं रिसोर्सेज या डिक्रीज करते हैं या कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट uh, आता है तो दे डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड Any administrator intervention, because जो भी काम होगा automatic होगा ये automatic provision होगा in the बैक एंड तो ये सब चीज़ों के लिए आज की date में Microsoft Azure में हमारे पास advantage है और उसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे so guys गायज आगे बढ़ने से पहले we need to get some idea कि सबसे पहले जो हमारे पास option है वो कौन कौन से है इन अट शैल इन अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हम ये कह सकते हैं कि हम इनिशियली जो हमने शुरू किया था वो हमने वर्चुअल मशीन से किया था राइट right? आपको याद होगा कि जब हमने अपना कोर्स शुरू किया तो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है वर्चुअल मशीन में हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ती है वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ करना पड़ता है और इंस्टॉलेशन uh, होने तक का हमें वेट करना पड़ता है जब इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाती है फिर हमें उस वर्चुअल मशीन को रेडी करना पड़ता है कि Uh, भाई मुझे ये एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए ये ये कंपोनेंट की ज़रूरत है इंक्लूडिंग डिपेंडेंसीज एज़ वेल राइट तो उसके बाद जाके जब वो रेडी होता है तब हमें उसे चलाना पड़ता है फिर हमने उसको थोड़ा सा और बेटर uh, के लिए हमने कंटेनर के बारे में जाना जो हमारी लास्ट वीडियो थी वहाँ पर हमने देखा कि कंटेनर के अंदर हमने क्या किया था हमें जस्ट कंटेनर रेडी किया उसमें जो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए थी वो इंस्टॉल की एंड डायरेक्टली हमने एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू कर दिया राइट बट अगेन वी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज देयर करेक्ट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड अगर एक डेवलपर का काम है कि यार उसको केयर नहीं करना कि उसको ही डोंट वांट टू केयर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है क्या है फायरवॉल क्या है लोड बैलेंसिंग क्या है नेटवर्किंग क्या है डेफिनेटली बिकॉज देट इज़ नॉट ही इज़ गुड इन बिकॉज उसका काम है कोड्स uh, लिखना एप्लीकेशन uh, को डेवलप करना सो द राइट वे और आई कैन से कि उनको थोड़ी ज़्यादा पावर देना ताकि वो एफर्टलेट्स काम कर पाएँ और उसके साथ साथ जो uh, उनका जो वर्क है उसमें वो बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐप सर्विस एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग बाई देयर नेम आई थिंक आप थोड़ा समझ भी पा रहे हैं दोनों में एक चीज़ कॉमन है अगर आप एज़ोर ऐप सर्विस और सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात करते हैं डोंट वरी हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे बट दोनों को समझने के लिए इन दोनों में डेवलपर्स को मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल उनको कोई भी केयर करने की के जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की वाई बिकॉज बोथ ऑफ दीज सर्विसेज आर ऑटो स्केल्ड और ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर्ड है मतलब कि जब भी एक डेवलपर को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे ऑटोमेटिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एजोर या फिर ऐप सर्विस और सर्वलेस कंप्यूटिंग सर्विस उसको इंक्रीज कर देगी और जब हमारी जो कोड्स डेवलप हो जाएंगे और उनको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा वो ऑटो ऑडो स्केल करके उसको उस पर डेवलप कर देंगे या उसको उस पर रिसाइड कर देंगे ताकि डेवलपर को पता भी ना चले कि क्या पीछे चला या मतलब जो भी प्रोविजन हुआ क्या एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज मिली क्या आपके एक्स्ट्रा वर्चुअल सीपी लगे या आपको एक्स्ट्रा वर्चुअल मेमरीज़ मिली जो भी है जो भी हार्डवेयर लेवल का जो भी काम होगा ये ऑटोमेटिक होगा और हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है दोनों के अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाई अवेलेबिलिटी बिकॉज गाइज दीज रिसोर्सेज आर रनिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंड अकॉर्डिंग टू एजोर नाइनटी नाइन ये अप एंड रनिंग सर्विसेज में रहेंगे तो आपको अपने यू नो सर्विस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपकी सर्विसेज के बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है जस्ट वरी लेस आप एक काम कीजिए जस्ट डेवलप योर एप्लीकेशन एंड डू योर बेस्ट इन योर वर्क दैट्स इट ट्स इट जब भी आप वर्क प्लेस में आएँ आपके पास एक ही कंसर्न कंसर्न रहे हाउ आई कैन मेक दिस एप्लीकेशन एट अ बेस्ट लेवल आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है डेवलपर्स को कि आज मुझे ये सिक्योरिटी कॉन्फिगर करवानी है आज मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से बात करके ये रिसोर्स को इंक्रीज करवाना है सो दीज कंडीशनस आर राइट नाउ नॉट देयर इफ यू चूज़ माइक्रोसॉफ्ट एज योर ऐप सर्विस एंड सर्वोलेस कंप्यूटिंग एंड दूसरा एडवांटेज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी मिलेगा बिकॉज जैसा मैंने अभी इनिशियली जो वीडियो स्टार्ट की मैंने तब बताया पहले हमें थोड़ा कंसर्न रखना पड़ता था यार डेवलपर ने काम कहा है बिकॉज एज अ से लाइक आई वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर और मुझे पता है कि जब भी एडमिन होता है दे कीप पिंगिंग मी हे हर्ष हाउ इज गोइंग ऑन मैं एक्चुअली ये रिसोर्सेज uh, को इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था व्हाट इज़ अ करंट स्टेटस सो मुझे बार बार रिस्पॉन्ड करना पड़ता था एंड डेफिनेटली यू आर वेरी मच अवेयर वी डू नॉट हैव जस्ट वन डिवेलपर आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी हैव मैनी सो हर एक को एंटरटेन करना और ऑब्वियसली उनका भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है जस्ट की पासकिंग आज फॉर्द अपडेट एंड वो थोड़ा वेट करते हैं कि जब भी उनके रिसोर्स इंक्रीज होंगे ताकि वो आगे काम कर पाएँ तो गैज़ ये जो चैलेंजेज़ हैं इन चैलेंजेस को लगा लीजिए कि रेक्टिफाई किया गया है एज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिकॉज मैंने बताया वर्चुअल मशीन में तो आपके पास कंट्रोल ज़रूर होता है पूरा लेकिन uh, आपकी आपको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं और एज अ डेवलपर दे कैन नॉट डू दैट दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरी थिंग दे जस्ट नीड टू केयर अबाउट वन थिंग दैट इज डिवेलपिंग एप्लीकेशन और कोड्स सेम इन कंटेनर कंटेनर स्टिल कैन बी क्रिएटेड बाय डिवेलपर्स लेकिन स्टिल उनको थोड़ा सा डिपेंडेंसीज uh, इंस्टॉल करना ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर उनको नहीं आता तो उनको uh, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी बट इन अटशर फॉर एप सर्विस एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग दे डोंट नीट टू केयर अबाउट दैट जैसे ही उन्होंने रिसोर्स क्रिएट किया उनकी जो सर्विस है जस्ट राइट देअर अप एंड रनिंग एंड दे केन स्टार्ट डिवेलपिंग देयर एप्लीकेशन स्टेड अवे चाहे वो डॉटनेट हो चाहे वो पाइथन हो चाहे वह जावा हो कोई भी लैंग्वेज uh, वो यूज uh, करना चाहते हैं दे केन यूज इट इन एप सर्विस एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग एंड दे केन स्टार्ट बिल्डिंग देर एप्लीकेशन

फायर वो जो कि हमारे ऐप सर्विस में है और आप अगर एडिशनल सिक्योरिटी चाहते हैं यू कैन डू बाई ऑन की कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है एंड यू वॉन्ट टू ब्लॉक ऑल अदर पोर्ट्स इट्स वेरी सिंपल इन बाउंड आउट बाउंड रूल्स क्रिएट दैम एंड रेडी टू गो तो काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं डिवेलपर्स uh, के लिए एंड आई एम श्योर अगर uh, ये डेवलपर वीडियो देख रहे होंगे दे विल भी वेरी मच हैप्पी राइट नाउ दे हैव दिस ऑप्शन सो uh, गाइज so ये तो एक बेसिक आइडिया है डोंट वरी वी विल गो इन टू द लि बिथ डीपर एंड मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल से भी आपको uh, समझाने की कोशिश करूँगा सेकेंड ऑप्शन इज लाइक अबाउट अंडरस्टैंडिंग एज अ सैड वी नाउ हैव द बेसिक आइडिया अबाउट एज योर ऐप सर्विस एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर कि इनमें कौन कौन से फीचर्स हैं क्या एडवांटेजेस हैं इससे हमें क्या मिलता है क्योंकि मैंने दो तीन तो बता दिए हाई अवेलेबिलिटी ऑडो स्केलिंग और मतलब नो नीड टू केयर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए मेन तो यही एडवांटेजेस हैं उसके अलावा कैसे ये सर्विसेज रन करती हैं कैसे ये हमें ऑफर करती हैं इन नट शेल इन माइक्रोसॉफ्ट एजोग कि हम अपना बेस्ट कर पाएं आ, हम एक बार जान लेते हैं कि जो ये सर्विस है ये चलती कैसे हैं और ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये आपको समझाने के लिए है कि इसमें और क्या आप कर सकते हैं मतलब सर्विसेज के साथ ऐप सर्विस के साथ सो बेसिकली गाइस कोई भी अगर डेवलपर होगा उसको यहाँ पर फोकस करना है जस्ट यहाँ पर उसको अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसको जो भी रिसोर्स चाहिए सारे रिसोर्स उसके पास अवेलेबल हैं बिकॉज जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की दैट वी हैव क्रिएटेड अ रिसोर्स ग्रुप और सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं अगर उसके पास एक डेटा बेस है और वो कुछ डेटा एक्सेस करना चाहता है उनमें से इन्फॉर्मेशन से सो दिस ऐप सर्विस कैन बी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीक्ल सर्वर जो हमारा ऑलरेडी एशो सीक्वल सर्वर है वहाँ पर और उसके साथ साथ अगर उसको कोई डेटा स्टोर भी करना है इफ़ यू नीड द स्टोरेज बिकॉज फॉर फाइल शेयरिंग या किसी भी पर्पज़ से तो ही कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्टोरेज इन माइक्रोसॉफ्ट एशो और इन्हीं वेब सर्विसज को अगर वो ऑथेंटिकेशन uh, मतलब यूज़ uh, करना चाहते हैं इनकेस दे हैव देयर रनिंग ओन ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पर उनके कुछ यूजर्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं टू ऑथेंटिकेट दैम एंड देन लॉगड इन इन टू द ऐप सर्विस या फिर आप चाहते हैं फेसबुक ट्विटर या फिर एप्पल सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं या गूगल सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं टू ऑथेंटिकेट योर यूजर्स यू कैन ऑल्सो यूज़ दैम बिकॉज दीज एप सर्विसज़ ये हमारी थर्ड uh, पार्टी uh, के साथ भी कोलेब्रेशन uh, में रहती हैं और ये यूजिंग uh, ए ये काम करती हैं और बहुत ही uh, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिकॉज आई वर्क विद माई डिवेलपर्स इन द पास्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एंड वहाँ पर मैंने उनको काम करते देखा आई रियली इंजॉयड वर्किंग विद दैम एंड मैंने देखा कि हाउ मच पावर दे हैव राइट नाउ एज कंपेयर टू द ऑन प्रीमिस इंफ्रास्ट्रक्चर सो so गैज उसके साथ साथ हमारे पास ये ऐप सर्विसेज आप डायरेक्टली एज अ मैंशन की इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी खुद की वेबसाइट है यू कैन ऑल्सो यूज दोज कस्टम डोमेन नेम्स एज वेल मतलब कि जैसे कि आप वेबसाइट पर गए वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पर किसी ने यूजर नेम इन्फॉर्मेशन ऐड की ऑथेंटिकेट हुआ ऑथोराइजेशन मिली उसको कितना डेटा एक्सेस करवाना है कितना नहीं यू कैन ऑल्सो डू दैट मीन्स यू हैव योर own complete power and do your best because you developers are the best in the world because of you guys your one application which kuch training record because of you guys so point here is you just need to focus on one thing developing application and writing codes do your best and achieve big दैट्स द मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग दीज सर्विसिज एंड आई एम श्योर कि अगर आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एजोर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वहां पर आपको ऐसे सर्विसेज यूज़ करने को ज़रूर मिलेगी और आई थिंक इनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करेंगे ऑल दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ए जी नाइन हंड्रेड बट स्टिल आई बिलीव इट वुड बी गुड फॉर यू गाइज तो हम जरूर करेंगे सो गाइस लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम लेट्स जंप इन टू दिस एंड ट्राई टू लर्न मोर तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा और सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विस के बारे में सो so, नाउ हम uh, समझने वाले हैं कि एजोर ऐप सर्विसेज काम कैसे करती है और ये एक्चुअली है क्या और कैसे ये डिवेलपर्स को हेल्प करेगी बेसिक आइडिया हमारे पास है उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं सो गाइज जैसा मैंने कहा कि एजोर ऐप सर्विसेज हमें अलाउ करता है या डेवलपर्स को बेसिकली अलाउ करता है एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए डिप्लॉय करने के लिए और जो वेब एप्लीकेशन वो क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो एप ए पी आईज़ करना चाहते हैं विद इन देयर ओन टर्म्स मतलब कोई भी लैंग्वेज वो यूज़ करना चाहते हैं चाहे वो जावा हो चाहे वो डॉट नेट हो वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं एजोर ऐप सर्विसेज में उसके साथ साथ इसको समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेटर्स uh, की बात आती है उनके साथ हमेशा एक कंसर्न रहता है कि है हाउ यू गोइंग टू हेल्प योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू मेक श्योर कि जो वो uh, अपना काम करना चाहते हैं वो अपने बेस्ट पीक परफॉर्मेंस पे कर पाए तो गर्ज एडमिनिस्ट्रेटर्स uh, को आई थिंक प्रोजेक्ट uh, जो इंजीनियरिंग टीम है उनको uh, एक साथ डिस्कस uh, करके एक मीटिंग बुलाकर उनको बताना चाहिए कि नाउ योर प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ गोइंग टू हैंडल एज योर ऐप सर्विसेज बिकॉज यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी अगर एक एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा या फिर uh, जो भी अपडेट uh, करेगा वो ऑटोमेटिक स्केल्ड अप डाउन मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको अपने हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसर्न रखने की ज़रूरत है ही नहीं जस्ट फोकस ऑन वन थिंग दैट इज़ राइटिंग योर कोड्स दैट्स इट सो जैसे डेवलपर्स के पास ये पावर आ जाती है तो वहां पर प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कौन क्या काम कर रहा है और अगर दे हैव टू सबमिट एनी इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर दे कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्दो इट इज़ नॉट माई डिसीजन इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड उसके साथ साथ गाइज इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए बिकॉज हमें बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आइडिया तो पता लग गया कि हम क्यों कर रहे हैं या एजोर ऐप सर्विसेज को यूज़ क्यों करना है उसके साथ हमें जानना है कि जो एजोर ऐप सर्विस है हमारी वो बेसिकली हमें चार चीज़ें हमें हैंडल करने की एडवांटेजेस देती है सबसे पहले हमारा वेब एप्स, उससे पहले हम ये पिक्चर को जान लेते हैं जहाँ पर इनके आइकन्स भी हैं और इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा जब भी इन सर्विसेज के ऊपर आप काम करेंगे सो so, सबसे पहले हमारा एजोर एप सर्विसेज को जानने के लिए उनमें सबसे पहले है हमारा वेब एप्स वेब ऐप्स को आप कुछ भी कह सकते हैं वेब एप्लीकेशंस और उसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो भी एक तरह की वेब ऐप्स होती हैं या कोई भी एक सॉफ्टवेयर या टूल जो ऑनलाइन वेबसाइट पे डिज़ाइन किया हुआ है उनको भी वेब ऐप्स कहते हैं तो आप इन्हें कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं मैंने जैसे अभी आपको बताया एनी लैंग्वेज ऑफ योर काइंड यू कैन यूज़ डॉट नेट मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊँगा और आई थिंक आई कैन ट्राई या बैड बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन यूज़ डॉट नेट यू कैन यूज़ जावा मैं एक ही करेक्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे यू कैन यूज़ यू नो एनी अदर लैंग्वेज इफ़ यू लाइक पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं आप और उसके साथ साथ कोई भी जो भी आपको प्रेफरेबल आपकी जो लैंग्वेज है आप उसे यूज़ करके अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा इसके लिए कोई भी आपको uh, और किसी चीज़ की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है जस्ट कम अप विद योर कोर्ड्स एंड स्टार्ट Developing your application straight directly in Azure App Services and don't worry मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे आप ये application को directly develop कर सकते हैं within your own choices और उसके बाद guys हमारे पास second आता है जो हम handle करते हैं Azure App Services में वो है हमारा API apps बेसिकली ए को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है जो एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है फॉर एग्जांपल हमारे दो अलग अलग लैंग्वेजेस में है एज एन एग्जांपल तो उन दोनों को uh, मतलब एक तरह से ट्रांसलेट करने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए ए क्रिएट की जाती हैं ताकि दोनों के दोनों जो लैंग्वेज uh, हैं या जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की हैं एज एन एग्जाम्पल तो वो दूसरे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए विदाउट एनी हैसल सो ए भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं डायरेक्टली uh, हमारे ऐप uh, सर्विसेज के अंदर <coughs> और ए का और कहाँगा इस अगर कोई डेवलपर देख रहा है प्लीज़ फॉगे मी अगर मैंने कुछ uh, को छोड़ दिया बिकॉज यू गाइज आर एक्सपर्ट एंड आई एम नॉट मैं डेवलपर नहीं हूँ बट आई डू एडमिनिस्टर एप सर्विसेज फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन नॉट एट द मोमेंट बट आई डेड इन द पास्ट सो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इनके बारे में तो अगर मैं कहीं गलत हूँ सो प्लीज़ हेल्प मी आउट टू करेक्ट ओके उसके बाद गाइज हमारा ए पी आई के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है uh, ये सपोर्ट करता है स्वेगर स्वेगर एक आई थिंक ओपन प्लेटफॉर्म है डिवेलपर्स प्लीज़ हेल्प मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग स्वैगर हमें अलाउ करता है बिकॉज उसमें काफ़ी बंच ऑफ कोड्स और ए पी आई एस की फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हमें ईजिली डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं बट स्टिल इफ़ यू गैस डोंट नो स्वैगर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल इफ यू आर यू नो इंटरेस्टिड टू नो मोर अबाउट इट जस्ट गो गो टू गूगल एंड टाइप स्वैगर एंड ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन द थर्ड वन इज गाइज हमारा मोबाइल एप्लीकेशन यू कैन बिल्ड योर मोबाइल एप्लीकेशन स्ट्रेट इन एजोर ऐप सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एडवांटेजेस भी मिलेंगे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था ऑथेंटिकेशन यू कैन यूज थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन एज वेल एज इन बिल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विसेज लाइक एजोर एक्टिव डोरेक्ट्री तो आप अपने यूजर्स uh, को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप स्टोरेज चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटा को आप एक्सेस करवाना चाहते हैं uh, अपने यूजर्स पे बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन मेथड, तो आप उन्हें वो चूज़ करवा के वो आप हेल्प कर सकते हैं यू कैन बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन एंड डायरेक्टली रन दोज एप्लीकेशन स्ट्रेट इन ऐप सर्विसेज एंड उसके साथ साथ आपको और भी एडवांटेजेस मिलेंगे गाइस आप इन एप्लीकेशन को चाहे वो वेब ऐप हो ए पी आईज़ हों मोबाइल ऐप्स हों आप इन सब को बैकअप भी ले सकते हैं यू कैन यूज़ डायरेक्टली दोज़ बैकअप टू द स्टोरेज अकाउंट ऑल दो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे बट मैं आपको एक जस्ट आइडिया दूंगा प्रैक्टिकल uh, में कि कैसे और कहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं और uh, उसके साथ साथ गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि दीज मोबाइल एप्लीकेशन बिकॉज अगर आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है और आपने उसे uh, बिल्ड किया है और डिप्लॉय किया है तो आप ज़रूर इन्श्योर होना चाहेंगे कि वो हमेशा 24 फोर सेवन एवरी सिंगल सेकेंड वो रन करें तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हाई अवेलेबिलिटी वहाँ पर आपके साथ है और जैसा कि मैंने बताया अगर उसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी सो डोंट वरी माइक्रोसॉफ्ट एज एजयर ऐप सर्विसज़ कवर अप इन दैट सीनियो बिकॉज ऑडो स्केल वहाँ पर अवेलेबल हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे ऑडो स्केल ये होता जाएगा रिसोर्सेज के बेस पर और वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी येस दे इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन है और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि uh, इसके अंदर uh, दो हमारे एक सॉरी uh, <laughs> हमारा एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद हम चाहते हैं कि वो सिक्योर रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ये भी इंश्योर करता है कि आपकी सिक्योरिटी का जो जिम्मा है या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो ध्यान रखना है वो माइक्रोसॉफ्ट रखेगा और मेक श्योर sure करेगा कि जो हैकर्स हैं वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाएं ऑल यू कैन स्टिल इम्प्लीमेंट मोर सिक्योरिटी वहां पर फायरवॉल अवेलेबल है आप Uh, ये भी कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट आप अलाउ करना चाहते हैं कौन से पोर्ट को आप छोड़ना चाहते हैं या फिर आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं यू कैन डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन द प्रैक्टिकल एनीवे जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तब आप ये कर सकते हैं बाकी ये फिजिबिलिटी और ये सारे ऑप्शन ऐप सर्विसेज में अवेलेबल हैं हमारे लिए उसके बाद गैस हमारे पास आता है लॉजिक ऐप्स ऑल दो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ़ अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग बट सर्वरलेस एंड एजोर ऐप सर्विसिज जैसे मैंने पहले बताया था दोनों कुछ एक तरह से काम करती है क्योंकि दोनों के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की केयर करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लॉजिक ऐप्स काम कैसे करती है बेसिकली कुछ फंक्शन फंक्शन का मतलब होता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं या छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसके बेस पर जो रिजल्ट निकलता है उसे हम लॉजिक एप्स में कंसिडर करते हैं बिकॉज इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन और यू आर नॉट अ डेवलपर यू कैन यूज़ लॉजिक एप्स टू बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन और यू कैन अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम हम करेंगे भी आज प्रैक्टिकल में बट मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन uh, की uh, मतलब आपने कोड लिखे उसको फंक्शन बोलते हैं फंक्शन वन फंक्शन टू फंक्शन थ्री इन फंक्शन वन आपने कहा कि ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन को आपने लॉगिन किया च हैज बिन डन नाउ इन सेकेंड स्टेप आप चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन के अंदर आपके uh, मतलब यूजर नेम ऑथेंटिकेट हो वा या फेसबुक वा या गूगल और एजोरेक्टिव डोरेक्ट्री हुआ और थर्ड फंक्शन में आप चाहते हैं कि उसको एक डेटा एक्सेस हो बेस्ड ऑन हिज ऑथेंटिकेशन सो जैसे उसका यूजर नेम लॉग इन हुआ उसके हिसाब से उसको डेटा उसका एक्सेस हो जाएगा तो इस तरह की लॉजिक uh, ऐप्स आप क्रिएट कर सकते हैं उर्दू मैं एक सिंपल एग्जाम्पल भी दूँगा जब हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे सो so, फैज़ उसके साथ साथ एक और एडिशनल हमारे पास आती है uh, यहाँ पर एक और मैं नाम लेना चाहूँगा वेब जॉब्स मैं यहाँ पर अभी डब्ल्यू uh, जे लिखूँगा डोंट थिंक इट्स अ वॉल स्ट्रीट general. <laughs> it's जस्ट अ वेब जॉब सो वेब जॉब का मतलब है कि आप इसके अंदर पाइथॉन बैश या सी शाप भी यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट सर्विस विच इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और ये इसलिए भी डिज़ाइन किए जैसे मैंने बताया कि वी हमारा कंटेनर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल ज़रूर होता है बट हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ते हैं और अगर हमारे पास सिर्फ डेवलपर है और हम चाहते हैं कि उसका काम सिर्फ डेवलपिंग एप्लीकेशन है और कोड्स uh, लिखना है हमें कुछ और काम नहीं करवाना उससे तो आई थिंक दीज आर द राइट सर्विसेज फॉर यू एंड इन माय ओपिनियन गाइस आप अपने टीम uh, को सजेस्ट कर सकते हैं इसे यूज़ करने के लिए मैं इसके बारे में बताता हूँ बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि वाई एज योर ऐप सर्विसेज ऑल दो हम मोस्ट ऑफ ये बात कर चुके हैं बट स्टिल एक बार क्विक इसको रिव्यू कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है यू कैन सिंपली फोकस ऑन राइटिंग कोड्स एंड इंजॉय योर डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट्स इट सिंपल इज दैट सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस आपकी अवेलेबल होंगी जो ये सपोर्ट करता है और आप किसी भी टाइप से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं मतलब टाइप का मतलब कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करके थर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बोथ एजोर ऐप सर्विसेज और सर्वरलेस कंप्यूटिंग हाईली अवेलेबल और ऑटो स्केलिंग उसमें इनेबल्ड है सो so, जैसे सर्विसज़ का यूज़ ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली ये स्केल अप हो जाएगा और जैसे सर्विसेज का यूज़ लो होगा बेस्ड ऑन द यू नो यूटिलाइजेशन वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगा सो so, आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अप एंड लो करने की या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ गाइज हमें ऐप सर्विसेज में एडवांटेज भी मिलता है कि अगर आप गिट में आपके कोड्स रनिंग है या आपकी आ, आपने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डिजाइन की है आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विसेज में उसके साथ साथ अगर थर्ड पार्टी सॉरी वेबसाइट्स हैं आपकी और वो सारी की सारी, सारी सपोर्ट करती हैं गेट हब रेप रिपोजिटोरीज आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं हमारे ऐप सर्विसेज में डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए और अगर आप विजुअल स्टूडियो लवर हैं और यू ऑलरेडी आर इन एक्सपर्ट ऑफ डेवलप्स यू कैन स्टिल यूज दीज सर्विसेज तो आई थिंक यू कैन हैव मच मोर पावर टू डेवलप योर एप्लीकेशन एंड जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग डिवेलपिंग एप्लीकेशन बिकॉज ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँगा इस आपके माइंड में ये बात बैठ जाए जब भी कोई बात करें एजोर ऐप सर्विसज़ के बारे में या फिर सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही है और राइट या देर आर फ्यू मोर एडवांटेजेस जैसे मैंने सिक्योरिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है तो आप वो चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे आप इन्हें एडवांटेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज़ आपके पास बहुत सारे फीचर्स एंड ऑप्शन अवेलेबल होंगे बट हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना गायस यहाँ पर जब आप एप सर्विसेज को कॉन्फिगर करेंगे आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा वेदर इट इज़ लिनिक्स और विंडोज़ एंड डोंट वरी गाइज आप ये कहेंगे हर्ष आपने तो कहा था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है मतलब इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यस येस यस आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट आप कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म तो चूज करना पड़ेगा ना कि वैदर इट इज़ अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और या फिर लिनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म तो बस वो चूज करना है बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यू कैन सिंपली स्टार्ट राइटिंग योर कोर्स दैट्स इट सो गाइज उसके साथ साथ थोड़ा सा और भी मैं डिस्कस करूंगा बट लेट्स डू वन थिंग लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट इन अ प्रैक्टिकल वे ताकि आपको समझ आए और वैसे भी <laughs> मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ आप में से थोड़े से ज़्यादा लोग बोर हो गए होंगे कि यार काफ़ी देर से हम थ्योरी हैं सो लेट्स जंप इन टू द प्रैक्टिकल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एज योर ऐप सर्विसेज़ बिफोर टू jump इन in, into टू द प्रैक्टिकल मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस लिंक पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉमेशन ग्रेस करने की कोशिश कीजिए स्पेशली डिवेलपर्स गाइज एज अन्शन कि मैं डिवेलपर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि यहाँ पर जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप सर्विस आपको हेल्प कर सकती है आपको एप्लीकेशन डेवलप करने में ओवरऑल uh, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन uh, के साथ साथ एक ही जगह पे आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लाइक प्रोडक्ट ओवरव्यू क्या है उसके फीचर्स क्या हैं सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करवाता है माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप सर्विस प्राइसिंग क्या है इन केस यू हैव टू टॉक टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर और योर स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन काफ़ी ईजी आपको अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर एक ही लिंक से और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिलेंगे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप बेस्ट आउटकम ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऐप सर्विसेज को यूज़ करके सो ओवरऑल आई फाइंड दिस लिंक वेरी इन्फॉर्मेटिव स्पेशली फॉर मी ऑल दो एम नॉट अ डेवलपर स्टिल मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आपको इनसाइट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे आप उन इनसाइट्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं सो इट इज़ रियली अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट माइक्रोसॉफ़्ट एज योर ऐप सर्विस नाउ गाइज जम्प इन टू अवर माइक्रोसॉफ्ट एजोर और शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके uh, सब को थैंक यू बोलना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सब लोग uh, मेरे साथ कनेक्ट रहे ऑल दो uh, अभी तक मेरी मशीन आई नहीं है सो आई हैव टू परचेज अ न्यू वन फॉर यू गाइज और मैं यही कहूँगा आई हैव टू परचेज़ न्यू वन फॉर यू बिकॉज मुझे पर्सनली रिक्वायर्ड नहीं थी बट मैं ये भी समझ पा रहा था कि कुछ लोग रियली वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस सर्टिफिकेशन और चूँकि uh, ये नॉलेज आपको आपके जॉब रोल्स या आपको एक यू uh, नो you know, uh, एक uh, अच्छे पोजीशन पे जाने पे या फिर एक नए जॉब वेंचर्स को शुरू करने में आपकी हेल्प कर रहा है सो आई रियली फील एक्साइटेड तो मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं इफ दे आर सम मनी एंड इन्वॉल्व कोई बात नहीं बट वी कैन गेट अ गुड आउटकम बिकॉज ऑफ़ यू गाइस। आई एम आई रियली रियली हैप्पी एंड रियली रियली थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी ऑल टुगेदर एनीवे काफ़ी अप्रीशिएशन होगी लेट्स गेट बैक टू वर्क सो गाइज अब हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विसेज को डिप्लॉय करने वाले हैं तो उसमें दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि हमने एजयोर ऐप सर्विसेज को पहले डेवलप करना है या वेब ऐप को डेवलप करना है और उसके बाद हमने सिंपल अपने कोड्स को राइट करना है बस दैट्स इट राइट सो डेवलपर्स लुक एट द स्क्रीन एंड लर्न हाउ यू कैन अचीव इट विद अ वेरी ईजी वे सो डेफिनेटली देर आर थ्री वेज़ मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया था तो ऐप सर्विस इज़ राइट हीयर आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल ऐप सर्विस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप आप सर्विसेज दिखाएगा और अगर आपको यहाँ पर किसी रीजन से कोई इशू हो रहा हो सो यू कैन गो इनटू दिस थ्री लाइंस जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर भी आपको ऐप आप सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट ये पिंड मिलता है तो आपको ज़्यादा आई थिंक दिक्कत नहीं होगी

तो यहाँ पर आपको राइट right सब्सक्रिप्शन आपका चूज करना है उसके बाद आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है सो so गाइज मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएं बिकॉज बाद में हमें इसे डिलीट करना है uh, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका जो फ्री अकाउंट है या जो भी आप पे एज यू गो अकाउंट यूज कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी uh, आपका पैसा लगे सो आई गिव नेम हर शायरीना ऐप सर्विस दिस इज द नेम ऑफ द रिसोर्स ग्रुप जिसके अंदर हम ऐप सर्विस या वेब ऐप क्रिएट करेंगे जैसे so, मैंने नाम दिया इट हैज बिन रेकोगनाइज एंड सिमस गुड टू मी उसके बाद हमने नाम देना है जो भी हम वेब सर्विस का नाम देंगे सो so, हमने वेब सर्विस का नाम दिया हर्ष एरीना वेब एप ये बेटर है बल्कि सो so, अगर ये अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली तो हमें यहाँ पे चेक मार्क करेगा इट इज अवेलेबल एंड वी कैन यूज इट अदरवाइज वो हमें डिनाई कर देगा वी वी हैव टू यूज़ अनदर नंबर अनदर नेम जो भी अगला हमारा दूसरा नाम है हमें वो चूज़ करना है हाव एवर लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट पब्लिश अब हमें ये देखना है कि हमने अपने वेब ऐप को पब्लिश कैसे करना है वाया कोड्स या फिर आपने ऑलरेडी कोड डिज़ाइन किए हुए हैं इन अ डॉकर और कंटेनर सो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं हाव जो अभी हमने पूरा पढ़ा वो यही था कि आप एप्लीकेशन uh, को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं राइटिंग कोड्स तो हम यहाँ पर कोड से शुरू करेंगे और वहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म है एक प्लेस है जहाँ पर वी कैन स्टार्ट टाइपिंग अवर कोड्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा द नेक्स्ट वन इज रन टाइम स्टैक यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है आपकी जो एप्लीकेशन uh, या वेब एप्लीकेशन आप डेवलप uh, करना चाहते हो सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ तैम डॉट नेट है जावा नोड पी एच पी पाइथोन रूबी ये सारी लैंग्वेजेस हमारी अवेलेबल हैं यू कैन चूज एनी वन ऑफ तैम सो एज़ एन एग्जाम्पल टुडे मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा डॉट नेट फाइव और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग uh, सिस्टम <laughs> अब आप ये ज़रूर कहेंगे हर्ष आपने कहा था कि uh, हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन नहीं करना है यू आर एप्सोलूटली राइट हमें प्रोविजन नहीं करना बट एट लीस्ट हमें ये तो बताना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन को कि ये बेस्ड क्या है विंडोज़ बेस्ड है या लिनक्स बेस्ड है बस सो so, यहाँ पर जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना हमने वो चूज़ करके हमें जस्ट आगे बढ़ना हमने इसको केयर नहीं करना कि वेदर इट इज़ रनिंग ऑन विंडोज़ और लिनिक्स बस चूज़ एनी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म सो मैंने यहाँ पे विंडोज़ चूज़ किया एंड देन वी हैव टू चूज़ राइट रीजन जहाँ पर ये आ, हमारा क्रिएट होगी वेब एप्लीकेशन नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ऐप सर्विस प्लान नाउ अब आप ये ज़रूर सोचेंगे ऐप सर्विस प्लान के बारे में मैंने थ्योरी में तो कुछ नहीं बताया बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता था और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता था ताकि आपको आसानी लगे कि ये एक्चुअली है क्या सो सिकायज़ ऐप सर्विस प्लान हमारी हेल्प करता है कि, कि किस तरह से आपका जो ये वेब एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो देखिए नाम तो इसका यही है इसको हम सर्वर सर्वरलेस कंप्यूटिंग कह सकते हैं या ऐप सर्विस कह सकते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है बट समवेयर वर्चुअली हमारा सर्वर तो चल ही रहा है इन द बैक एंड एंड फॉर दैट माइक्रोसॉफ्ट इज़ गोइंग टू चार्ज सो गाइज हमें राइट सर्विस प्लान चूज़ करना है तो उसके लिए विंडोज़ प्लान यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं आप कस्टम अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो है आई एम हैप्पी विद इट बट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने याद रखनी है चूज द राइट स्क्यू और एस के यू एंड साइज सो जैसे मैं चेंज साइज पे क्लिक करता हूं ऑन द राइट हैंड साइड आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये है क्या सो गाइज डेव एंड टेस्ट जो यहां पे सबसे पहला है ये हमारे हैं शेयर्ड रिसोर्सेज शेयर्ड रिसोर्सिस का मतलब है कि ये अगर आपने चूज किया सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी मनी बट द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज बाय अदर पीपल जो आपके आ, इस रीजन में और भी हमारे डेवलपर्स हैं अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं और फ्री सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं सर्विस प्लान यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये वाला करेंगे तो आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी लाइक सॉरी रिसोर्स होंगे लाइक वन जी बी मेमरी और सिक्सटी मिनट्स अ डे दैट सेट दैट सेट उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डेडिकेटेड रिसोर्स पे चले, देन द ऑप्शन वी हैव इज शेयर्ड, सॉरी नॉट शेयर रिसोर्स आई एम सॉरी फॉर दैट, प्रोडक्शन और इवन आइसोलेटेड विद हैज बिट मोर एडवाटेज लाइक आइसोलेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सेस सो ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल एप्लीकेशन है या बहुत ही सिक्योर्ड एप्लीकेशन है लाइक यू नो गवर्मेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ये वर्ड हाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा था <laughs> कितना स्टूपिड सी बात है ना गवर्नमेंट बोलने में भी थोड़ा सा भूल गया था एनी वे लेट्स कम बैक सो आइसोलेटेड ऑप्शन तब चूज़ करना अगर आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं और आप हाईली सिक्योर्ड एनवॉमेंट चाहते हैं और ये एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं अदरवाइज़ फॉर द प्रोडक्शन एंड वॉमेंट दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू चूज़ द राइट स्टैक और राइट स्क्यूज़ फॉर यू क्योंकि यहाँ पर नीचे प्राइस भी मैंशन है लाइक फोर्टी थ्री यू एस डी पर मंथ Estimated 41.61 USD, 329.96 USD. So based on आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो चूज कर सकते हैं एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू चूज द फर्स्ट वन it's इट्स कॉन अ चार्ज लेस टू मी सो आई आई थिंक अप्लाई सो इट इज रेडी टू अस सो आफ्टर दैट हमें आगे जाना है नेक्स्ट uh, monitoring में और मॉनिटरिंग में यहाँ पर हमसे पूछेगा कि अगर आपके पास कोई रिपोजिटरी अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर आपको रिपोजिटरी मेंशन uh, करनी है गिट की जो मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर सकते हैं फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू जस्ट चेक डिसेबल अगर आपकी है तो यू कैन ऑथोराइज इट एंड यूज़ इट मोनिटरिंग ये एनालिटिक्स uh, से रिलेटेड रिलेटेड uh, है और एप्लीकेशन uh, की इनसाइट्स आपको देखने को मिलेगी और uh, आपकी मतलब कितना डेटा आपका एक्सेस हो पा रहा है कितने लोगों ने एक्सेस किया है कितना डेटा इन है कितना डेटा आउट है ये सारी इन्फॉमेसन आपको देखने को मिलेगी ऑन द स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू वे यू कैन फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है टैगिंग अगर आप ईजिली uh, इसको रिकोगनाइज करना चाहते हैं और मेनटेन करना चाहते हैं इस वेब एप्लीकेशन को यू कैन चूज़ टैगिंग एज़ वेल एंड इन द एंड वी हैव एन ऑप्शन कॉल रिव्यू एंड क्रिएट अगर आप रेडी हैं और आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन जस्ट हिट क्रिएट सो गाइज बहुत ही सिंपल है ये तो डिप्लॉयमेंट मोनिटरिंग टैग्स ये तो मैंने आपको जस्ट नॉलेज देने के लिए बताया आई यू डोंट रिक्वायर द प्रैक्टिकल ऑफ वेब ऐप इन ए जी नाइन हंड्रेड बट यू शुड नो वाई यू हैव टू यूज दिस वन फॉर द पर्पज एंड एज़ वेल एज़ कितना फास्ट है आप देखिएगा कि कंटेनर को भी थोड़ा टाइम लगा था क्रिएट होने में लाइक थ्री मिनट्स फोर्टी सेकेंड्स एंड इसको डिप्लॉय होने में मेरा एक्सपीरियंस है थर्टी सेकेंड्स और मैक्सिमम वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड्स में डिप्लॉय हो जाता है एंड यू कैन सी इट्स ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड एंड इट्स रेडी टू वर्क बहुत ही फास्ट है बहुत ही ईजी है इसको एक्सेस करना क्रिएट करना और आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करना मतलब स्टार्ट करना कोई भी डेवलपर इसको ईजिली कर सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अब जैसे ही आपके रिसोर्सेज कंप्लीट हुए इधर यू गो टू जस्ट क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज और अगर आप यहाँ पर भी जाना चाहेंगे तो आपको पता है कि ऐप सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्विसेज आपके दिख जाएगी अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है बिकॉज इट माई टेक सम टाइम आई ट्राई टू रिफ्रेश वाओ इट इज़ राइट हेयर अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो बैक टू द नोटिफिकेशन जोन और नोटिफिकेशन जोन में से आपको गो टू रिसोर्स पर भी जा सकते हैं हाउ हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो हम यहाँ आ जाएंगे डायरेक्टली सो so, एक क्विक टूर ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं जस्ट वही आपको बताना चाहूँगा और जैसा मैंने कहा आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है सो so, सबसे पहली चीज़ इनसाइट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना एच जो आपका एक्सेस है वो रहा है डेटा इन कितना है डेटा आउट कितना है कितनी रिक्वेस्ट्स आपके रिसीव हुई हैं रिस्पांस टाइम क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं आपके मॉनिटरिंग uh, या इनसाइट से हाउएवर uh, थोड़ा सा अगर और हम डीप uh, में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन का सो गायज ऑथेंटिकेशन का यूज वहाँ पर होगा जहाँ पर uh, आपको मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन लाइक फेसबुक यूज़र आईडी, डी गूगल यूजर आईडी या जी मेल गूगल आई या फिर एप्पल ईमेल आईडी अगर आपको यूज करनी है एज अ पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन यू कैन यूज़ दैम और ऑल्सो यहाँ पर एज योर एक्टिव डायरेक्टरी को भी कॉन्फिगर कर सकते हैं विद इन दिस एप टू एक्सेस उसके साथ हमारा नेक्स्ट आता गाइज बैकअप जैसे मैंने बताया था कि वी कैन ऑल्सो टेक द बैकअप अगर आपकी वेब एप्लीकेशन हाईली क्रिटिकल है तो ये वाला फीचर आप चूज कर सकते हैं ऑल हम अभी कंप्लीट नहीं करेंगे बस बताने के लिए इफ़ यू चूज स्नैप दिस इज़ फॉर यू नो फॉर द सीक्ल डेटा बेस यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ रिजिस्टर पॉइंट इन द सवल डेटा बेस इन द बैक एंड माइक्रोसॉफ्ट एज योर सीक्वल में और वहां पर वहां से आप अपने रिकवर कर सकते हैं आपके वेबऐप को अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक द बैकअप ऑफ योर वेब ऐप साइमल्टेनियसली हावएर हम अभी नहीं करेंगे और गाइज हमारे पास और ऑप्शन है कस्टम डोमेन अगर आपकी वेब ऐप डिज़ाइन हो गई है और आप चाहते हैं कि कोई कस्टम डोमेन आप ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है हर्ष एरिना डॉट कॉम सिमिलरली आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर या फिर अगर आपके पास नहीं है यू कैन ऑल्सो बाय दिस डोमेन एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट यू नो स्टार्ट यूजिंग योर ओन डोमेन एंड लॉन्च योर वेब एप्लीकेशन Uh, additionally, you can also find advantages of uh, security. तो मैंने पहले ही बताया था कि वैसे तो Microsoft security आपको provide करवाता है on not a custom based domain names but Microsoft Azure based domain name. मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या मतलब है मेरा तो वो आपको बताता है but बत अगर आपके पास still SSL bindings है या आपके पास certificates available है you can also uh, uh, use this SSL bindings with your own custom domains. हाउएवर मैंने आपको ये बातें नहीं बतानी थी <laughs> मैंने आपको लेकर जाना था एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस में जो है ऐप सर्विस एडिटर सो कैज़ ये जो ऐप सर्विस एडिटर है ये हमारी हेल्प करता है हमारे कोड्स को राइट करने के लिए सो so, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ऑल दो अभी ये प्रीव्यू में है लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि ऐप सर्विस एडिटर प्रोवाइड्स एन इन ब्राउजर एडिटिंग एक्सपीरियंस विच इज़ रियली रियली कूल आई रियली लाइक इट तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे वैन यू क्लिक गो आ, ये अगर आपको मे भी हो सकता है कि आपको री ऑथेंटिकेट आपका जो एड एजोर का है वो करने को बोले अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया अगर वो ऑटोमेटिकली री ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ये लॉग लॉग इन होकर आपको वेब पेज दिखाएगा उस वेब पेज में आप अपने कोड्स लिखना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे वो कोड चला और उसके साथ साथ गाइस एडवांटेज इसका एडिटर का यह है कि ये ऑटो सेव हो जाता है आपको मैन्युअली सेव करने की जरूरत कुछ भी नहीं है एंड इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन विजुअल स्टूडियो हाउ एवर अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सो so यहाँ पर हमारे पास क्लिक करेंगे होस्टिंग्स और होस्टिंग स्टार्ट कोई भी नाम यहाँ पर जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो so यहाँ पर ये ऑलरेडी कोड हमारा लिखा हुआ है सो गाइज दिस इज़ द प्लेस वेर यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ओन कोड्स तो मैंने एक अपना कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं आपके सामने ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम वन ऑफ माई गूगल ड्राइव प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट जाना है उस जगह पे और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपनी लैब क्रिएट कर सकते हैं और टेस्ट क्रिएट टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये चला या नहीं सो so, जैसा आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने टाइप किया ये सेव हो गया तो जो भी डेवलपर्स हैं वो अपनी वेब एप्लीकेशन यहाँ पर जो भी आ, आपका प्लेटफॉर्म है जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करना चाहते हैं आ, वो आप यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं और जैसे क्रिएट होगा यू कैन ऑल्सो टेस्ट बाय जस्ट क्लिक हीयर जैसे आप आ, प्ले करेंगे तो इट विल वाओ आई रियली लाइक इट सो क्वाइट स्माइल ऑन माई फेस तो जैसे आप, आप देख पा रहे हैं कि ये वेब पेज बना है जो भी मैंने कोड लिखा उसका रिजल्ट ये है और लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये सिक्योर नहीं है uh, उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों सो so इसको क्लोज करते हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी सब ठीक है यहाँ पर सो यू कैन सिंपली क्लोज इट बिकॉज इट हैज़ बिन सेव्ड ऑलरेडी और वापस से हमारे ओवरव्यू में आके थोड़ा सा वेट कीजिए इन जस्ट फाइव सेकेंड्स बिकॉज यू कैन सी नाउ डेटा इन थोड़ा डेटा इन और हुआ है और हमने एक्सेस भी करने की कोशिश की है नाउ वी विल ट्राई टू एक्सेस आवर यू जो कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विस ने हमारा डिजाइन किया है सो so यहां पर मैं इसको कॉपी करूंगा एंड एक नया टैब में जाके मैं इसे पेस्ट करूंगा एंड ट्राई टू एक्सेस इट खू जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट रन हुई है और यह सिक्योर भी है विद एस एंड उसके साथ साथ आपका जो भी वेब पेज में जो भी वेब एप्लीकेशन आपने डिजाइन की थी वो इजीली एंड सक्सेसफुली हमारी चल पड़ी है यहाँ पे राइट एंड गाइस आई एम आल्सो कैन एक्सेस माय ओन वेबसाइट हर शरीना सो so जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा यू कैन फाइंड वेबसाइट्स एंड ऑल ट्रेनिंग वीडियोज विच आर कमिंग वेरी सुन सो यू कैन एंजॉय दैट थिंग वेरी ईजिली राइट so i hope uh, you enjoy learning microsoft uh, azure app service. now let's jump into serverless computing and try to learn more about it. Kaafi interesting hai, asaan hai. so finally, guys, our hum, last option, pehe, serverless computing. now, <laughs> dono mein, matlab, azure app services or serverless computing, me kafi similarity or common hai, wo hai. we don't need to care about infrastructure running on microsoft azure. जस्ट अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करो और रेस्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे छोड़ दो इट विल ऑटोमेटिकली स्केल स्केल डाउन बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन सो इसको समझने के लिए जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी अभी कर चुका हूँ कि इट इनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशन क्विकली विदाउट वरिंग अबाउट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेज Uh, their infrastructure. So this is the beauty of serverless computing. और ये आपको एक strong candidate भी बनाता है because आपका जो main focus है जो आपका main work है जो efficiency है वो आपके उसी के अंदर अगर आप developer हो आपके उसी पर focus रहेगा आपकी application को develop करने में आपकी जो बाकी की वरीनेस है वो आपकी खत्म हो जाएगी इससे related. Now इसको समझने के लिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग में और कौन कौन से options आते हैं guys? तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर एक है हमारा एजोर फंक्शन दूसरा है हमारा एजोर लॉजिक एप्स नाउ इन दोनों में डिफ्रेंसेस क्या है और कैसे ये हेल्प करता है सो so सिकाइज़ जब भी हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग में एजोर फंक्शन की बात करते हैं ये एक्चुअली एक तरह का कोड्स uh, को एग्जीक्यूट करता है जैसे अभी हमने एक वेब uh, एप्लीकेशन में हमने कोड uh, लिखा या लगा लीजिए हमने uh, एक स्क्रिप्ट uh, लिखी तो उसके बेसिस पे हमारी वेब एप्लीकेशन डेवलप्ड हुई सिमिलरली यू कैन राइट कोड्स इन एजोर फंक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल वर्क बट ये फंक्शन जो है ये हमारे छोटे छोटे सेट ऑफ पार्ट्स में रहते हैं मतलब ये एक तरह से uh, आउटकम को डिजायर्ड आउटकम को लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने यहां पर पिक्चर भी बनाई है उसके लिए इमेजिन कीजिए यहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है आपने एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन की और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन का वहां पर आपने यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन डाली तो ऑब्वियसली वो एच बेस्ड अभी आपके सामने एक्सेस हो रहा है मोबाइल से एपीआई कॉल आपने की एपीआई कॉल की आपने फंक्शन के पास तो फंक्शन एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम है एक छोटा सा रूल है या एक प्रोग्राम है जो रिव्यू करता है जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं सो so, इस एक्ज फंक्शन को इंस्ट्रक्शन uh, दी गई है कि आपको रिक्वेस्ट को रिसीव करना है और जो भी रिक्वेस्ट आए उसे प्रोसेस करना है और आगे भेजना है तो so, इसने रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट uh, को रिसीव किया और यहाँ पर उसने एनालाइज़ किया हूँ ये रिक्वेस्ट एप्पल के यूजर नेम और पासवर्ड से आई है सो इट्स सेंड बैक टू द डेटा चाहे वो आपका यूनिवर्सल डेटा हो चाहे ऑनलाइन डेटा हो जहाँ पर भी है वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने आ, एक ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर आके उसने चेक किया हूँ ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट पे गया नेक्स्ट स्टेप पे जो कि नेक्स्ट फंक्शन है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है अगर उसके पास डेटा की कंफर्मेशन आती है तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफ़र कर देगा आपके मोबाइल्स पर तो यहाँ पे कंफर्मेशन आई तो इस एज फंक्शन ने जहाँ पे कोड हमारा लिखा हुआ है उसने वेरीफाई किया तो ये यूज़र ने वेरीफाई हुआ है और कोई बात नहीं है अब मैं एक नोटिफिकेशन जारी कर देता हूँ कि सब कुछ ठीक है नाउ यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली या फिर ये इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली डिलीवर हो गई है तो ये आगे मोबाइल के ऊपर दोबारा हमारे नोटिफिकेशन जोन में जाके ये बता देता है कि आपका ये सक्सेसफुली लॉग इन हुआ है या फिर किसी ने आपके साथ कोई फाइल शेयर की है या फाइल डिलीट की है आई थिंक यू गेट माई पॉइंट कोई भी एप्लीकेशन जो डिज़ाइन होती है तो एजर फंक्शंस वहाँ पर काम करते हैं और इसकी ब्यूटी एक और है यहाँ पर तो मैंने अभी एग्जाम्पल एक का लिया राइट right? एक रिक्वेस्ट आई ए एजर फंक्शन ने uh, किया तो ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है uh, हमारे बैक uh, एंड में जो जो भी सर्वर डिप्लॉयड है माइक्रोसॉफ्ट एजोर में लेकिन अगर इमेजिन कीजिए यही सारी रिक्वेस्ट हमारी वन मिलियन दस लाख से ज़्यादा लोगों के पास सेम टाइम में आती है तो गुड थिंग इज जो हमारे एज फंक्शन है वो डिप्लॉयड हैं ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे अप कर देंगे ये सारी रिक्वेस्ट को और पीछे जो पीछे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्केल्ड अप हो जाएगा अपने आप तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपने जैसे अपना कोड लिखा और एजयोर फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा अप करेगा जिसके बेसिस पे आपकी रिक्वेस्ट वन मिलियन से ज़्यादा या जितने भी लोग होंगे सबके पास वो अपडेट करेगा बायो नोटिफिकेशन जो एजर फंक्शन का काम है तो गाइज ये बहुत ही ब्रिलियंट एक सोल्यूशन है बिकॉज यू जस्ट नीड टू केयर अबाउट राइटिंग कोड्स रेस्ट यू डोंट नीड टू वरी राइट सो एजर फंक्शन एज एन ऐप काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर में और uh, इसे बेटर समझने के लिए काम करता हूँ मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ हालांकि हमने अभी वेब ऐप डिज़ाइन की थी तो मैं कंप्लीट uh, स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा वहां पे, बट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है और क्या इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फंक्शन ऐप एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सिमिलर काम करता है जो अभी हमने आ, हमारी एक वेब एप्लीकेशन डेवलप की थी ऐप सर्विस में आ, सिमिलर है उसके इवन जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको काफ़ी सिमिलर मिलेंगे बट ये कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिल्ड क्या करना है और क्या आपको थोड़ा सा डिफ्रेंस नज़र आएगा जब आप फंक्शन ऐप को क्रिएट करेंगे ओल इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कोड्स यू नीड टू सिंपली राइट द कोड्स हाउ यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली एक्सेस किया था इधर यू कैन एक्सेस फ्रॉम हेयर फंक्शन ऐप या फिर आप आ, काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाकर जस्ट टाइप कीजिए फंक्शन फंक्शन ऐप ये आपको एक्सेस हो जाएगा अभी मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है बट मैं आपको एक जल्दी से क्विक एक वॉक थ्रू कर देता हूं कि क्या ऑप्शन हमारे अवेलेबल रहेंगे हालांकि आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको सिमिलर फंक्शन मिलेंगे जो अभी आपने ऐप सर्विस में देखे हैं सो रिसोर्स ग्रुप का नाम जो आप नाम देना चाहते हैं मैं वही दूंगा जो अभी ऑलरेडी है हर्ष अरिना ऐप सर्विस एज एन एग्जाम्पल और फंक्शन ऐप का नाम हर्ष एरिना टेस्ट फंक्शन आप कोई भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू और आपको यह ऑप्शन भी सिमिलर दिख रहा होगा जो अभी हमने ऐप सर्विस में किया था कोड इधर डॉक कंटेनर के डॉकर कंटेनर के साथ अभी मैं कोड ही चूज करूँगा और सेम सिमिलर हमारा जो रन टाइम स्टैक है डॉट नेट नोड या फिर जावास्क्रिप्ट है या फिर पाइथन है या क्या यूज़ करना है हमने यूज कर सकते हैं एडिशनली हमें यहाँ पर सी शार्प पावर शेल और बैश के ऑप्शन मिल जाते हैं और इधर यू कैन चूज़ कस्टम हैंडलर इट्स ऑल अप टू यू सो मैं जो भी चूज करूँगा यहाँ पर इधर डॉट नेट सो थ्री पॉइंट वन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वर्जन चूज़ द राइट प्लेस विच इज़ ईस्ट यू एस टू एज एन एग्जाम्पल वेन वी गो टू हॉस्टिंग यहाँ पर आपको कुछ चेंजेज नज़र आएंगे क्योंकि ये सर्वर लेस वो है हमारी कंप्यूटिंग uh, है और सर्वरलैस हमारी कंप्यूटिंग के अंदर uh, जो कंजप्शन है वो हमारा uh, बहुत ज़रूरी है और उसको स्टोर करने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए क्योंकि ये कोई वेब एप्लीकेशन ही है इट्स सम काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पर आप अपने कोड को लिख सकते हैं तो इसका डेटा स्टोर करने के लिए फंक्शन ऐप का हमें एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा इधर यू कैन चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन या फिर आप नया भी बना सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू सेम वही हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं और प्लान टाइप कंजप्शन जो सर्वरलेस है जो हमारा uh, अफोर्डेबल एंड राइट वे है जिससे हमारे सारे फीचर्स इनेबल होंगे फंक्शन प्रीमियम ये हमारा सिक्योरिटी इंक्रीज कराएगा ऐप सर्विस प्लान आपको पता है शेयर्ड सर्विस वगैरह वगैरह वो चूज़ करने को आपको मिल जाएगा जो आपको पता ही है राइट सो इसलिए अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो कंजप्शन है मैं अभी आपको साथ वही सर्वरलेस uh, ही चूज़ करूँगा बाकी मॉनिटरिंग टैग्स आपके वही सेम ऑप्शन है सेम फीचर्स हैं नथिंग स्पेशल सो वंस यू आर रेडी गाइस सिंपल आपको रिव्यू एंड क्रिएट करना है बट क्रिएट uh, करने की अभी मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है बिकॉज ये बिल्कुल सेम आपको इसके ऑप्शन दिखेंगे जैसे आपने uh, अपना जो ऐप सर्विस जो अभी हमने क्रिएट किया था वेब ऐप बिल्कुल वैसे ही है सारे ऑप्शन ओके लेट्स डू इट ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा बट अभी क्रिएट होने के बाद एक तो ये फंक्शन ऐप क्रिएट करेगा ज जिसके बाद हम अपने कोड राइट कर सकते हैं उसके साथ साथ हमें आप ये भी देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट करेगा तो इसको ओवरऑल कंप्लीट होने में कुछ ही मिनट लगेंगे मतलब या तो वन मिनट या मैक्सिमम वन मिनट थर्टी सेकेंड्स नॉट मोर देन दैट क्योंकि अभी डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और एकदम से आप देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपके क्रिएट हो चुके हैं और जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे फंक्शन क्रिएट हो गया है अब लास्ट ऑप्शन बचा है डेटा को स्टोर करने के लिए दैट इज स्टोरेज अकाउंट बस इसको कंप्लीट होने का वेट है एंड देन आवर डिप्लॉयमेंट इज रेडी वाह wow. <laughs> मैं एक्चुअली पॉज ही करने वाला था बट एनी वे इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड एंड अभी थोड़ी सी देर में हमें ये गो टू रिसोर्सिस के पास जाने के लिए ऑप्शन हमें शो करेगा वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वेदर डिप्लॉयमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली और नॉट नोटिफिकेशन बार में बट uh, फिलहाल के लिए एक बार यहीं पे वेट करते हैं क्योंकि स्टोरेज अकाउंट क्रिएट तो हो चुका है आई थिंक फाइनल स्टेप्स चल रहे हैं और अभी भी आई थिंक थर्टी फोर्टी फाइव सेकेंड्स ही हुए हैं ज़्यादा नहीं हुआ तो वेट करते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए और गो टू रिसोर्स वाला ऑप्शन आ जाए और राइट गायस सो हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है सो so यहाँ पर अब हम गो टू रिसोर्स जाएंगे जो कि हमारी है फंक्शन ऐप और इस फंक्शन ऐप में वही सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर इंसाइट्स uh, देखने को मिलेंगी आपको अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन सेम ऑप्शन है कोई ऐसा आपको कुछ नया नहीं दिखेगा आइडेंटिटीज़ सेम uh, चीज़ है कस्टम डोमेन एस सेटिंग्स और जो मेन था हमारा ऐप सर्विस एडिटर वो भी आपके सामने ही है गो पे क्लिक करेंगे तो इट विल अलाउ यू टू स्टार्ट राइटिंग योर कोड्स राइट तो सारे ऑप्शन सिमिलर हैं जैसे ऐप सर्विस है द ओनली डिफरेंस इट इज़ डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन सर्वरलेस कंप्यूटिंग जहाँ पर हमें मैंशन करना पड़ता है हमें uh, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमें कोई प्लान चाहिए इट विल ऑटोमेटिकली स्केल्ड अप एंड स्केल डाउन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन ऐप एंड इट इज़ बिल्कुल बिल्कुल आसान है स्पेशली फॉर डेवलपर्स एंड आई थिंक यू गेट द पॉइंट राइट गाइस चलिए अब हम आगे चलते हैं और लॉजिक ऐप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ओके okay, गाइस अब हम बात करते हैं लॉजिक एप्स के बारे में सो so, बेसिकली इसको समझने से पहले एक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि एजोर फंक्शन और लॉजिक एप्स में डिफरेंस क्या है सो गाइज वेन वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिंग कोड्स इसका मतलब है कि हमारा एज फंक्शन में वो काम करेगा मतलब जहाँ पर सिर्फ कोड्स लिखे जाते हैं और जिन लोगों को डेवलपर्स uh, 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 नहीं हैं या फिर जिनको कोड्स लिखने नहीं आते हैं दे कैन यूज दिस एज योर फंक्शन एज अ वर्क फ्लो एंड यूजिंग दिस वर्क फ्लोज वो अपना जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको अचीव करते हैं ये आपको बड़ा आसान लगेगा समझने में लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं गाइज इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है सर्वरलेस कंप्यूटिंग के सो so, जैसे मैंने कहा कि पहला है नो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्नयर गाइज नीड टू थिंक अबाउट कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या चल रहा है हमें जस्ट अपने कोड लिखने हैं और रेस्ट हमने डिपेंड कर देना है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे कोस्ट यू को नाउ इसको समझने के लिए एक क्विक uh, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है वो ये कि गाइज Uh, अगर आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग को यूज़ करें और यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था वन मिलियन रिक्वेस्ट का राइट right? सो so, जब ये वन मिलियन रिक्वेस्ट एजर फंक्शन के पास पहुँचेगी तो ये ऑटोमेटिकली स्केल्ड अप होगा और जब वो स्केल्ड अप होगा जब वो एग्जीक्यूट करेगा उन उस फंक्शन को या उस कोड uh, को जितनी देर तक वो यूज़ करेगा या वो आगे वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा जस्ट उतने टाइम तक का जो अमाउंट आपका कैलकुलेट uh, होगा आपको जस्ट उतना ही पे करना है अगर आपका फंक्शन यूज़ में नहीं है उसके लिए आपको अमाउंट पे नहीं करना है सो so ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर उसके पास रिक्वेस्ट आती है कि हाँ आप एक वेब ऐप की तरफ से एक मोबाइल की तरफ से रिक्वेस्ट आई है तो बस फंक्शन वो एक ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा उसी के वो अमाउंट को चार्ज करेगा अगर वन मिलियन टेन मिलियन जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसके हिसाब से आगे वो चार्ज करेगा और उसके साथ साथ गाय स्केलेबिलिटी आई थिंक आई डोंट नीड टू मैंशन ऑटो स्केलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं सो so, जैसे जैसे एज फंक्शन को जरूरत होगी ये इंक्रीज करता जाएगा सो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर हेयर और उसके साथ गाइज एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है uh, वो ये कि एज फंक्शन में दो टाइप के हमारे पास uh, एक uh, जो एग्जीक्यूटिंग कोड है उनमें हमारे दो टाइप के फंक्शन होते हैं एक होता है स्टेट एक होता है स्टेटफुल सो गाइज जो स्टेटलेस होता है वहाँ पर वो एक बार इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को वो मतलब याद नहीं रखता एवरी टाइम जब भी रिक्वेस्ट उसके पास आती है तो कहता है हे व्हाट्सअप व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी मतलब हर बार वो पूछता है क्योंकि अगर ये मोबाइल का नाम है मान लीजिए एम या वन मोबाइल का नाम है वन दैट्स इट एज एन एग्जाम्पल सो स्टेटलेस में ये एक बार याद रखेगा अच्छा वन से रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद ये भूल जाएगा लेकिन स्टेटफुल में स्टेटफुल फंक्शन हमेशा याद रखेंगे कि अच्छा वन से रिक्वेस्ट आई थी तो इट हैज़ टू प्रोसेस क्विकली तो ऑब्वियसली वो फंक्शन थोड़ा जल्दी काम करेगा क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट या उसको ऑथराइजेशन की इन्फॉर्मेशन बार बार चेक नहीं करनी पड़ेगी और नाउ right हम वापस आते हैं हमारे एजरोलॉजिक ऐप्स पे तो एजरोलॉजिक ऐप्स को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि ये काम कैसे करता है लॉजिक so ऐप का जैसे मैंने बताया ये डेवलपर्स के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है लाइक like मी <laughs> जिसको सॉफ्टवेयर uh, डेवलपमेंट नहीं आती और uh, जिसको कोडिंग नहीं आती आई एम वेरी बैड इन दैट बट एनी वे सो लॉजिक्प्स एक तरह का वर्क फ्लो डिज़ाइन ऑप्शन है हमारे लिए या उन लोगों के लिए जिनको अकॉर्डिंग नहीं आती वो क्या करते हैं ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनको वर्क फ्लो में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे लॉजिक ऐप क्रिएट किया उसमें मैंने ट्विटर हैंडल को या ट्विटर अकाउंट को यूज़ किया उस ट्विटर अकाउंट से जब भी मैं शर्ट हर्ष अरिना ये टाइप का हैश टैग चलाऊँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो रिक्वेस्ट मेरी जो दूसरा एजोर फंक्शन है वहां जाएगी और वहां से वर्क फ्लो के बेसिस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर शट डाउन कर देगी सिमिलरली अगर उसी ट्विटर uh, हैंडल से मैं एक और हैश टैग चलाऊँगा रीस्टार हर शैरिना ये जब भी हैश टैग आएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट हमारे दोबारा से एजोर फंक्शन पे जाएगी वो प्रोसेस करेगा और वो आगे उस सर्वर के पास पहुंचाएगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स एंड वी सिंपली यूज़ द पावर ऑफ ट्विटर हैंडल और उसकी पावर को यूज़ करके हम अपने सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं जो कि ये थर्ड पार्टी हमारी सर्विस है जो लॉजिक ऐप में इंटीग्रेट हो सकती है सीमलेसली तो दैट्स द क्लासिक एग्जांपल एंड बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए और होपफुली आपको ईजी भी लगेगा Uh, how about this हाउ uh, Let's let's try this. Let's let's do this. देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आता है सो so गाइज uh, मैं इसको ट्राई करने वाला हूं और आपको शो करने वाला हूं कि कैसे इसको अचीव करते हैं सो गाइज right, so हम अब uh, प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे लॉजिक एप्स काम करता है और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक तरह से वर्क फ्लो है और इस वर्क फ्लो में हम थर्ड पार्टी सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपने जो आउटकम uh, है जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एजो सो कैसे करते हैं वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे सबसे पहले अभी हमने जो uh, एक ऐप सर्विस बनाई थी आपको याद होगा हर वेब ऐप सर्विस थी और उसके अंदर जो हमारा रिसोर्स ग्रुप हमने क्रिएट किया था वो किया था हर शाविना ऐप सर्विस रिसोर्स ग्रुप तो हमारा जो टारगेट होगा अभी वो ये होगा कि हमने एक लॉजिक ऐप बनानी है और लॉजिक ऐप के अंदर हमने सीक्वेंस uh, डालना है जिसमें वो रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेगा हमारे लिए सो विद द हेल्प ऑफ ट्विटर आई मीन सो कैसे करेंगे सो लेट्स गो टू लॉजिक ऐप फर्स्ट सो लॉजिक ऐप में जाने के बाद सबसे पहले हमें लॉजिक ऐप को क्रिएट करना है सो so, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कंजप्शन वाई कंजप्शन बिकॉज ये हमारा सर्वरलेस कंप्यूटिंग का ऑप्शन है तो हमने यही चूज़ करना है रिसोर्स ग्रुप या तो आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो चूज़ कर सकते हैं गाइज मैंने पहले प्रैक्टिस की थी हर शायना लॉजिक रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप है मेरा वो मैंने बनाया था तो मैं वही यूज़ करना चाहूँगा बाकी आप नया भी बना सकते हैं तो इसका नाम है हर शायना लॉजिक ऐप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका मन करे और वी हैव टू क्रिएट इन द रिसोर्स जहाँ पर है हमारा ईस्ट यू एस टू सो वंस इट इज़ क्रिएटेड जस्ट हमने करना है रिव्यू एंड क्रिएट और हमने वेट करना है इसके ऊपर क्रिएट करने के बाद जस्ट वेट करना है कि ये रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हो जाए बाकी गज़ रिसोर्स क्रिएट करना बहुत आसान है और इवन आ, इसको आ, रियल टाइम में डिप्लॉय करना भी बहुत ईजी है एज सुन एज जब ये स्टेप कम्प्लीट होगा डिप्लॉयमेंट इसकी कम्प्लीट हो जाएगी वर्क फ्लो की ये आ, हमें एक डिज़ाइनर पर लेके जाएगा जहाँ पर हमने वर्क फ्लो डिज़ाइन करने हैं सो so, वर्क फ्लो डिज़ाइन करके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे आ, हमें डिज़ाइन करना और क्या क्या ऑप्शन हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे सो हमारा डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीटेड ग्रेट नाउ लेट्स गो टू गो टू रिसोर्स ये हमने अभी जो uh, एक लॉजिक ऐप बनाई थी तो वहाँ पर ये डिज़ाइनर ऐप ओपन हुई है गाइस और इस डिज़ाइनर ऐप के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोर देन टू हंड्रेड कनेक्टर्स या टाइप ऑफ कनेक्टर्स आपको मिलेंगे कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज के भी होंगे और माइक्रोसॉफ्ट एजो के भी होंगे सो so, जो भी सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं जिस भी पर्पस से आप उसे यूज कर सकते हैं सो एज़ वी डिस्कस कि अभी मैं ट्विटर uh, बेसिस uh, के ऊपर यूज़ करना चाहूँगा ताकि मैं कोई भी ट्विटर uh, पे ट्वीट करूँ वो हमारी हेल्प हो जाए डिलीट करने में सो आई क्लिक ऑन ट्विटर सो जैसे ट्विटर uh, वाला कनेक्टर uh, मैंने यूज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली रिकोगनाइज करेगा जो थोड़े टाइम पहले मैंने क्रिएट uh, किया था या तो आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं या पर आप एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप नया क्रिएट करेंगे तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको कनेक्शन नेम देना है उस कनेक्शन नेम के अंदर आपके पास जस्ट कनेक्शन का नेम जैसे डिलीट माई रिसोर्स या जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन टाइप मेक श्योर यूज डिफॉल्ट शेयर एप्लीकेशन ही चूज़ करना है आपको क्योंकि क्या होता है कभी कभी थोड़ा वेट करता है तो यहां पर मैं जैसे लिख दूंगा डिलीट uh, हर्ष एरिना वेब एप ये कनेक्शन का नाम लगा देता हूँ या फिर हर्ष शाइना डिलीट हर्ष शायना रिसोर्स ग्रुप दैट वुड बी ईजी फॉर यू राइट सो ये अगर हमारा कनेक्शन रेडी है सो so हमने साइन इन पे क्लिक करना है सो साइन इन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जाएगा हमारे ट्विटर हैंडल के पास एंड ट्विटर में हमें लॉग इन करके हमें वो अलाउ करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए इट right? सो so, ये काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सो so वो हमें बार बार सेम ऑथेंटिकेशन नहीं करने देगा सो so, जैसे मैंने कहा ट्विटर पे जैसे जाएगा आप अपने ट्विटर अकाउंट से लॉगिन कीजिए वो आपको ऐप को ऑथेंटिकेट करेगा जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू उसके बाद ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है सर्च टेक्स्ट और यहां पर लिखना है जो आप ट्वीट करना चाहते हैं कुछ भी ट्वीट करना चाहते हैं तो वो आपको लिखना जैसे मैं यहां लिखना चाहूंगा जब भी मैं ट्वीट करूं डिलीट हर्ष एरीना वेब ऐप जब भी मैं ये लिखूँ हैश टैग के साथ तो ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो एक्शन वो ऑपरेशन मुझे यहाँ लिखना है तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा रिसोर्स ग्रुप क्योंकि उसी रिसोर्स ग्रुप में मेरी वेब एप्लीकेशन भी अवेलेबल है सो so, थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को दिखाएगा क्रिएट और अपडेट नहीं जाना मुझे डिलीट अ रिसोर्स ग्रुप सो दे यू गो सो यहाँ पर आपके पास आएगा डिलीट अ रिसोर्स ग्रुप सो so मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूँगा रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है तो उसके लिए मुझे करेक्ट uh, यहाँ पर मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन चूज करना पड़ेगा और मुझे uh, जो भी आपको रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है जो हम करना चाहते हैं वो है हर शायना ऐप सर्विस सो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्क फ्लो कम्प्लीट हुआ और इसको सेव पे क्लिक करना है जैसे सेव होगा तो ये लॉजिक हमारा सेव हो जाएगा नाउ लॉजिक हैज़ बीन सेव्ड नाउ देर आर टू थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड पहला ट्विटर अकाउंट से लॉग इन कीजिए सो so, अभी अभी मैंने इंग्लिश uh, की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर मैंने ट्वीट किया था ये वाला डिलीट हर्ष अवीना वेब ऐप राइट सो हम देखते हैं कि यही हमारा नाम है या कोई और है कोई और है तो बेसिस इसके ऊपर हमने uh, ट्वीट करना फिर हमने कुछ चेक करना है ना इसको देखने के लिए कि ये काम करेगा कि नहीं सो लॉजिक ऐप में जाइए सो so, यहाँ पर हमारे लॉजिक ऐप के अंदर यहाँ पर अभी आप देखने को मिल रहा है यहां पे स्टेटस आपका है नो रन्स मतलब कोई भी चीज नहीं चल रही है राइट right? सो so, वापस यहाँ जाइए और उससे पहले मैं यहाँ पर डिजाइनर में जाके ये कन्फर्म करना चाहूँगा कि क्या नाम था जिस सर्विस से मैंने उसको ट्वीट करना हैश टैग डिलीट हर्ष एरिना वेब ऐप ये याद रखिएगा ये करेक्ट होना चाहिए सो so, अब मैं ट्वीट करूँगा डिलीट माई रिसोर्स ग्रुप डिलीट हर्ष एरीना वेब ऐप राइट ये मैंने लिखा तो ये हैश टैग मेरा uh, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और अगर ये करेक्ट है सो so जस्ट मैंने यहाँ पर ट्वीट करना है जैसे यहाँ पे ट्वीट हुआ सो so ये वाला जो uh, हमारा लॉजिक ऐप है वो ऑटोमेटिकली रिकोगनाइज करेगा इसको जैसे ही लेट्स गो बैक टू हियर So, यहां पर देखते हैं कि क्या वो नो uh, रन no अभी कोई रन नहीं है लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन नहीं अभी नहीं आया सो so, थोड़ा सा वेट कीजिए कि uh, कुछ सेकेंड लगते हैं क्योंकि तीन मिनट का टाइम है सो so, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आएगी तो यहां पर आपको रनिंग शो करना शुरू कर देगा दे यू गो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग रनिंग विच मीन्स जो भी हमने यहां पर ट्रिगर किया था हमारी जो पोस्ट हमने ट्रिगर की थी वो हमारी करेक्ट है और हैशटैग मैच हुआ है लॉजिक ऐप के साथ अब इस लॉजिक ऐप का काम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू करेगा और हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करेगा जो कि है हर्ष एरिना जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है ऐप सर्विस से रिलेटेड उसको वो डिलीट करेगा सो so, हमें यहाँ पर करीबन एक मिनट या थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ मैं इसको डुप्लीकेट ओपन uh, कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्ट पहले है कि नहीं है और बाद में होगा कि नहीं हमने चेक करना है कि क्या यहाँ पर हर शरीर ऐप सर्विस है बिल्कुल है अब थोड़े टाइम के बाद लेट्स ट्राई टू रिव्यू एंड इसको देखते हैं कि जब ये कंप्लीट होगा यू कैन ऑल्सो ट्राई कीप रिफ्रेशिंग बिकॉज जब ये कंप्लीट हो जाएगा इट विल शो यू सक्सेडेड। सो यहाँ वेट करते हैं और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन उसने शो की है हमें सो गायस जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सक्सीड हो गया है एंड इट मीन्स जो हमारा पूरा लॉजिक ऐप है उसकी जो कंडीशन हैं वो कम्प्लीट हो गई हैं सक्सेसफुली सो जैसे ये कम्प्लीट हुई नाउ लेट्स गो टू रिसोर्स ग्रुप टू वेरीफाई कि क्या हमारा रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्ट करता है अभी यहाँ पर है और लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दिस रिसोर्स ग्रुप यू गो गाइस, इट हैज़ बीन डिलीटेड नाउ सक्सेसफुली और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो लॉजिक ऐप है उसकी हेल्प से जो कंडीशन हमने uh, फिल की थी वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुई है एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द पावर ऑफ सर्वोलेस कंप्यूटिंग इन एजोर ऐप जो आपको हेल्प करेंगी आपके जो गोल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर में उसको मीट करने के लिए और राइट घायज सो ये फोर्थ स्लाइड मैंने बनाई थी हैंडजून लैब के लिए जो कि हम बात ही नहीं कर पाए हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है दोनों की और उनको समझ भी लिया है कि वो दोनों सर्विसेज़ क्या हैं जो आज हमने पढ़ी जस्ट फॉर लास्ट रिव्यू कि बेसिकली जो दोनों सर्विसेज हैं वो हमारे डेवलपर्स के लिए हैं और uh, एक uh, काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है फॉर एन एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर की वो ये पावर डायरेक्टली डेवलपर्स की टीम को दे सकते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटर बाकी चलो आपको होपफुली समझ आया होगा और आपने काफ़ी कुछ अच्छा ही सीखा होगा इस सेशन से यही मैं होप करता हूँ यही मैं कामना करता हूँ बाकी गाइज़ प्लीज़ टेक केयर बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो बैक इन इंडिया मैं भी इधर ही हूँ तो गाइज़ कोरोना चल रहा है काफ़ी थोड़ी टेंसड सिचुएशन है और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सेफ़ रहें आप अच्छे से रहें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें और मैं अब कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप घर बैठ के ही इनको पढ़ पाएँ और अपने यू uh, नो you know, आगे uh, पद पे मतलब जो आगे आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर आप अपग्रेड कर पाएँ और आपकी नॉलेज को भी अपग्रेड कर पाएँ ताकि अगर आप जॉब भी स्विच करना चाहते हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो बाकी गाइज़ मेरी तरफ से पूरी हेल्प और सपोर्ट रहेगी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन यूट्यूब नाउ बिकॉज अब मैं एक्टिव हूँ मैं आपको रिस्पॉन्स भी करूँगा और मैं आपको अपडेट भी करूँगा और आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर समथिंग न्यू अबाउट माई लाइफ क्योंकि बहुत कुछ लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट लेसन ऑल दो वो बात रहेगा ये बीच में बट मैं ज़रूर पूरी करूँगा बट एनी वे फॉर राइट नाउ प्लीज़ टेक केयर गाइज हैव अ वेरी गुड टाइम दैट्स ऑल आई कैन से बिकॉज सिचुएशन थोड़ी टेंसट ही है बाकी फीस अपना ख्याल रखिए